मॉर्निंग थर्ड क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू रीड आवर 10th चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश रीडर बुक। आवर 10th चैप्टर इज माय लवली ग्रैंडफादर, मेरे प्यारे दादाजी। ग्रैंड पेरेंट्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ चिल्ड्रन। दादा दादी बच्चों के पक्के मित्र होते हैं। दे लुक आफ्टर देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, वो अपने पोता पोती की देखभाल करते हैं। दे टेल सेवरल स्टोरीज एंड टीच दैम गुड मैनर्स, वो उन्हें कई कहानियाँ सुनाते हैं और उन्हें शिष्टाचार सिखाते हैं। वी शुड आल्सो सर्व दैम, हमें भी उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। हाउ यू सर्व योर ग्रैंड पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स की देखभाल या सेवा कैसे करते हैं। राइट फोर वेज, चार तरीके से लिखें। इन दिस लेसन, इस लेसन में द राइटर डिस्क्राइब्स द मिस बिहेवियर ऑफ अ सन एंड अ डॉटर इन लॉ टू हिज ओल्ड फादर। कि इस पाठ में जो लेखक है उसने एक बेटे और बहू के दुर्व्यवहार के बारे में बताया है जो कि अपने बूढ़े पिता के प्रति उनका था। ही ऑल्सो डिस्क्राइब्स द ग्रेट लव ऑफ ग्रैंड सन टू वर्ड्स हिज ग्रैंड फादर, और उसने एक पोते का उसके दादाजी के प्रति प्रेम भी बताया है। रीड एंड स्प्रेड लव, पढ़ें और प्यार फैलाएं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन ए स्मॉल टाउन, एक छोटे कस्बे में एक बूढ़ा आदमी रहता था। ही लिव्ड विद हिज सन मैनफ्रेड, डॉटर इन लॉ थेक्ला एंड ग्रैंडसन विलियम। वह अपने बेटे मैनफ्रेड, बहू थेक्ला और ग्रैंडसन यानी पोते विलियम के साथ रहता था। ही वॉज अ कारपेंटर, वह एक बढ़ई था। एंड स्पेंट ऑल हिज टाइम इन अ वर्कशॉप नेक्स्ट टू द हाउस, वह एक बढ़ई था और अपना सारा समय अपने घर के बगल वाली कार्यशाला में बिताता था। ही हैड लर्नड कारपेंट्री फ्रॉम हिज फादर हु हैड बीन अ फेमस कारपेंटर इन हिज गुड ओल्डन डेज, उसने यह बढ़ई का काम जो है अपने पिताजी से सीखा था जो कि अपने पुराने दिनों के एक अच्छे बढ़ई हुआ करते थे। द ओल्ड मैन हैड टॉट हिज सन वेल, जो बूढ़ा आदमी है उसने अपने बेटे को बड़े अच्छे तरीके से सिखाया था। एंड द सन अर्न ए गुड लिविंग, और जो बेटा है वो अपनी अच्छी जीविका कमा लेता था। ही मेड फर्नीचर फॉर द पीपल, वह लोगों के लिए फर्नीचर बनाता था। ऑफ द टाउन, कस्बे के लोगों के लिए फर्नीचर बनाता था। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ही डिड सम कार्विंग, और समय समय पर वह नक्काशी भी करता रहता था। द यंग कपल हैड ए सन ऑल्सो, जो युवा जोड़ा था, जो जवान जोड़ा था, उनका एक बेटा भी था। द बॉय लाइक टू सिट इन द वर्कशॉप एंड वॉच हिज फादर, जो लड़का था उसे कार्यशाला में बैठना पसंद था और अपने पिताजी को देखना भी पसंद था। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था, ही हेल्प्ड हिज फादर बाय फैचिंग एंड कैरिंग थिंग्स, तो वह चीज़ों को लाने ले जाने में अपने पिता की मदद करता था। ही लर्न टू क्लीन द टूल्स एंड टू टेक केयर ऑफ देम, उसने औजारों को साफ करना और उनकी देखभाल करना सीख लिया था। ही लर्न हाउ टू यूज अ सो एंड अ हैमर एंड ए चेजर, उसने हथौड़ा, छेनी और हथौड़ी को यूज करना सीख लिया था। एंड हिज ग्रैंड फादर टोट हिम टू कर्व वुड इन टू वंडरफुल शेप्स, और उसके दादाजी ने उसे लकड़ी को अलग अलग अद्भुत तरीके के आकार देना सीख लिया था। विलियम डीपली लव्ड हिज ग्रैंड फादर्स कंपनी, विलियम को अपने दादाजी की संगति बहुत अच्छी लगती थी, उसे इससे बहुत ज़्यादा प्यार था। बोथ ऑफ देम वुड सिट फॉर आवर्स एंड टॉक टू ईच अदर, दोनों कई घंटों तक साथ बैठते थे और एक दूसरे से बातें करते थे। नाउ द ग्रैंड फादर वॉज वेरी ओल्ड एंड गेटिंग ओल्डर एवरी डे, अब जो है उसके दादाजी बूढ़े हो गए थे और प्रतिदिन और ज़्यादा बूढ़े हो रहे थे। ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, वह मजबूत नहीं थे। हिज आइज वर डिम एंड ही कुड नॉट सी वेल, उनकी आंखें जो थी उनकी रोशनी कम हो गई थी और वो बहुत कम देख सकते थे, मतलब अच्छे से नहीं देख सकते थे। समटाइम हिज हैंड शॉक्स, कई बार उनके हाथ जो थे वो कांपते थे। एंड समटाइम ही सेट इन अ चेयर एंड नोडिड ऑफ टू स्लीप, और कई बार वो
चेयर पर कुर्सी पर बैठकर सोने के लिए सिर हिलाते थे। ही वॉज मोस्टली स्लीपिंग, और वो ज़्यादातर सोते ही रहते थे। इन द इवनिंग्स, शाम को, व्हेन दे ऑल सेट डाउन फॉर डिनर एट द टेबल, जब वो रात्रि के भोजन के लिए टेबल पर बैठते थे, मैनफ्रेड थेकला यूज टू गेट एंग्री विद द ओल्ड ग्रैंडफादर फॉर बीइंग स्लो एंड क्लम्सी, कि उसके जो मैनफ्रेड और थेकला थे वो उन पर उनकी उनके धीमे कार्य पर, उनके अनाड़ीपने पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे। सम टाइम ही ब्रोक ए ग्लास, कई बार वो गिलास तोड़ देते थे। सम टाइम ही ड्रॉप्ड स्पून, कई बार वो चम्मच गिरा देते थे। एंड सम टाइम ही स्प्लिट सूप ऑन ही शर्ट एंड ट्राउज़र, और कई बार वो अपनी शर्ट और अपनी पैंट पर जो है सूप गिरा देते थे। आफ्टर ऑल ही वॉज एन ओल्ड मैन, क्योंकि फिर भी वो एक बूढ़े आदमी थे। वन डे, एक दिन, ड्यूरिंग द इवनिंग मील, शाम के भोजन के समय, द ओल्ड मैन ड्रॉप्ड हिज प्लेट ऑन द फ्लोर क्रैश, कि शाम के भोजन के समय जो है बूढ़े आदमी ने अपनी प्लेट को फर्श पर गिरा दिया, और दुर्घटनावश इट स्मैश्ड इनटू मैनी टीनी पीसेस, और वो प्लेट जो है बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखर गई थी। एंड द फूड फेल ऑल ओवर द फ्लोर, और जो खाना है वो पूरा फर्श पर फैल गया था। हिज सन एंड डॉटर इन लॉ बिगेन टू क्लीन अप द फ्लोर, उसका बेटा और बहू जो है फर्श पर गिरे खाने को साफ करने लगे, या फर्श को साफ करने लगे। बट दिस टाइम हाउ एंग्री देवर, पर इस समय वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। आफ्टर दैट इंसिडेंट, इस घटना के बाद, दे बोट हिम अ चीप वुडन बाउल फ्रॉम द मार्केट एंड गेव हिम हिज डिनर इन दैट बाउल, वो बाजार से एक बिल्कुल सस्ता सा लकड़ी का कटोरा लेकर आए और उस कटोरे में ही उन्होंने उनको रात का भोजन दे दिया। दे मेड द ओल्ड मैन सिट बाय हिमसेल्फ इन द कॉर्नर ऑफ द रूम टू ईट हिज फूड, और उन्होंने उनके लिए कमरे के एक कोने में ही बैठने का स्थान या जगह बना दी, जहाँ पर वो बैठकर खाना खाते थे। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपको इस लेसन के डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अपनी नोटबुक में नोट करना है और लेसन को अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।